बिहार में जहां चमकी बीमारी का कहर बढ़ता ही जा रहा है, चमकी बीमारी से 100 से अधिक बच्चों की मौत हो गई है और बीमारी को लेकर डॉक्टर ने कहा है कि चमकी बुखार मच्छर के काटने से फैलता है। इस बीमारी में कमर में दर्द, मिर्गी का दौरा, तेज बुखार आना होता है और इस बुखार में दौरे आने की वजह से इसे चमकी नाम दिया गया है। इस बुखार से पीड़ित व्यक्ति तेज लाइट में जाने से डरता है और ये बीमारी अधिकतर बच्चों में ही होती है। वहीं चमकी बुखार को लेकर प्रदेश में चिकित्सा मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग सहित सभी सरकारी अस्पतालों में अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। ये जो चमकी बुखार है, इसको हम अपने मेडिकल टर्म में एक्यूट एनसेफेलाइटिस सिंड्रोम कहते हैं। वैसे तो ये बहुत से वायरस, बैक्टीरिया है, केमिकल और टॉक्सिन से हो सकता है, लेकिन जिसका मोस्ट कॉमन कारण होता है वो होता है जापानीज एनसेफेलाइटिस वायरस। ये वायरस राजस्थान में तो नहीं होता है, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और आसाम, यहाँ पर ये काफ़ी प्रीडोमिनेंट होता है। ये बीमारी यूजली बच्चों में ज़्यादा अफेक्ट करती है और ये गर्मी और प्री मानसून सीजन में इसका प्रकोप थोड़ा ज़्यादा होता है। इस बीमारी के लक्षण ये होते हैं, इसमें अचानक से तेज़ बुखार आता है, सर में दर्द रहता है, मरीज को लाइट से परेशानी होती है, जिसे हम फोटोफोबिया कहते हैं, वो हो सकता है। इसमें कमर में और गर्दन में अकड़न हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, कन्फ्यूजन होता है। सीरियस केस में इसमें जैसे मिर्गी के दौरे आते हैं, जिसको हम मेडिकल टर्म में सीजर कहते हैं, वो हो सकता है। इसी वजह से मिर्गी दौरे आने की वजह से ही इसको चमकी बुखार कहते हैं और पेशेंट पैरालिसिस भी हो सकता है और लेटेस्ट स्टेज में कोमा भी जा सकता है। चमकी बुखार से कई बच्चों की मौत हो गई है, उसको देखते हुए प्रदेश में भी हमने अलर्ट जारी करने की बात की है। सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो इस तरह के सिम्टम्स वाले जो बच्चे हैं, जिनके शरीर में जकड़न हो, अकड़न हो, दांत पे दांत चढ़ जाए और शरीर में कमजोरी की वजह से बच्चा बार बार बेहोश होता रहे और शरीर में बार बार कंपन या झटके आते रहें, इस तरह के अगर किसी में लक्षण नजर आए तो उन बच्चों को प्रभावी तरीके से प्रायोरिटी के आधार पर ट्रीटमेंट दें, ताकि राज्य में हमारे बच्चे सुरक्षित रह सकें, उनको समुचित उपचार समय से पहले मिल सके लक्षण दिखते ही। इसलिए प्रदेशवासियों से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि इस तरह के लक्षण अगर अपने बच्चों में नजर आए तो आप तत्काल किसी चिकित्सक से परामर्श करें।